नमस्ते, मेरा नाम श्रावणी। वेलकम टू माय किचन। मेरा किचन का नाम है श्रावणी किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ डालमा, जो कि ओडिशा का प्रसिद्ध खाना है, जो सबके घर में बनता है। डालमा ऐसा एक चीज़ है, आप छोटे मीन्स 8 महीने बच्चे से शुरू करके बड़े लोगों और बूढ़े लोगों को भी खिला सकते हैं। और वो आप अपने बच्चे को दाल के साथ सब्जी अगर खिलाना चाहते हैं, और आप लेडीज़ है, फिगर कॉन्शियस है, तो वो भी आपके लिए वो हेल्दी हो सकता है। तो चलिए हम बनाते हैं आज डालमा। आइए, डालमा के लिए चाहिए आलू, पपीता, कुमरा, बैंगन, गाजर, जो छोटे बच्चे 8 महीने के बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होता है, उनके आँख के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप अगर छोटे बच्चे मीन्स 8 महीने बच्चे को खिलाना चाहते हैं तो बैंगन मत दीजिए, क्योंकि बैंगन में एलर्जिक हो सकता है शायद। बीन्स, टमाटो, ये पपीता आप अगर आपके छोटे बच्चे मीन्स 8 महीने बच्चे को खिलाएंगे वो बहुत अच्छा होता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर रहता है। दाल, मूंग दाल थोड़ा रोस्टेड करके, 1/2 कप ऑफ मूंग दाल, 1 कप ऑफ तूर दाल, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, जीरा तड़का के लिए, और सूखा मिर्ची तड़का के लिए। अगर छोटे बच्चे को खिलाना है सिर्फ जीरा दीजिए, और ऊपर से थोड़ा अदरक, जो कि स्वाद को अच्छा करता है। चलिए हम बनाते हैं अपना डालमा। दाल, दोनों दाल को मिला के ऐसे अच्छे से आप धो लीजिए, उसका डस्ट निकाल के आप अच्छे से पानी निचोड़ के, एक बाउल में डालिए। डालमा बनाने के लिए आप प्रेशर कुकर को थोड़ा गर्म कीजिए, उसके बाद कटी हुई सब सब्जी धीमी आंच में रख के डाल, और पानी, एक ग्लास पानी, और थोड़ा उसमें पहले से दिखाया हुआ नमक, 1 चम्मच नमक, हल्दी 1 चम्मच, इसको थोड़ा मिला दीजिए। प्रेशर कुकर जब सीटी मारते मारते हम लोग एक मसाला बनाते हैं, उसके लिए चाहिए थोड़ा जीरा, 1 चम्मच जीरा, जो कढ़ाई में विदाउट ऑयल मीन्स रोस्टेड करना है हमें उसको, थोड़ा जीरा और सूखा हुआ मिर्च, उसको भून दीजिए, रोस्टेड कीजिए, जो कि डालमा के ऊपर हम लोग छिड़कने से वो थोड़ा स्वाद बढ़ाता है और टेस्टी लगता है, उसका स्मेल आ गया। अब ज़्यादा गर्म मत कीजिए क्योंकि वो जल जाता है, वो खुशबू अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इसको अभी छोड़ दीजिए, गैस बंद कर दीजिए, उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए।
दो सीटी हो गया, आप प्रेशर बंद कर दीजिए। अगर बच्चे को, छोटे बच्चे को खिलाना है, 8 महीने के बच्चे को खिलाना है, 2 से 3 सीटी ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो बॉयल खाना पसंद करते हैं, उनका दान नहीं निकला होगा तो वो गला हुआ खाना खाते हैं। मगर हमारे जैसे लोगों के लिए 1 या 2 सीटी में प्रेशर बंद कर दीजिए। 2 सीटी होने के बाद आप थोड़ा देर प्रेशर कुकर को ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। वो ठंडा होने के बाद सब्जी सब गल गया आराम से। गैस ऑन कीजिए। अभी हम लोग तड़का देने वाले हैं। तड़का के लिए चाहिए थोड़ा 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। अगर आपके घर पे बूढ़े लोग हैं या आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं या रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर घी का स्वाद सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और भगवान को भी अगर जब हम जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद देते हैं वो घी का ही बनता है। और ये शुद्ध शाकाहारी है, मीन्स आप इसमें बिना अनियन और प्याज लहसुन कुछ भी नहीं रहता है, तो आप आराम से ब्राह्मण लोग भी घर पे खा सकते हैं। घी गरम हो गया, थोड़ा जीरा, सूखा हुआ मिर्ची। छोटे बच्चे को, बेबी को, 8 मंथ्स का टोडलर को खिलाना है तो मिर्ची मत डालिए। 1 तेज पत्ता, 1 स्वाद के लिए थोड़ा अदरक ऊपर से, 1 अगर आपके घर पे हींग है हींग भी डाल सकते हैं। तड़का भी हो गया, गैस को थोड़ा ऑन कर देखिए। ये बन गया आपका डालमा। उसमें दाल भी है, सब्जी भी है, पपीता है, गाजर है, जो सबके लिए स्वादिष्ट होता है और अच्छा भी होता है सेहत के लिए। और ये बिना ऑयल का या तेल का या घी का बनता है, जो आपके शरीर के लिए भी ज़्यादा फैट नहीं बनता, वो आप खाने से आप हेल्दी रह सकते हैं। अभी गैस को बंद कीजिए, थोड़े देर के लिए छोड़ दीजिए। डालमा के लिए हम गर्मा गर्म डालमा प्रिपेयर हो गया। अभी उसको एक सर्विसिंग बाउल में डालते हैं। गार्निशिंग करते हैं उसको, ऊपर से थोड़ा घी छिड़क गए। पहले से बना हुआ आपको बताई थी रोस्टेड जीरा और मिर्ची को ऐसे कूट के पूरा अच्छे से बारीक बना दीजिए। उसको 1 चम्मच से ऐसे ऊपर में डाल दीजिए। थोड़ा धनिया पत्ता फॉर गार्निशिंग, सूखा हुआ मिर्ची। बन गया हमारा गरमा गरम डालमा, जो कि आप अपने बच्चे लोगों को खिला सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं।